अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बैंकिंग कोर्ट में जेर समात मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेशी के लिए इमरान खान आज इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान खान की बजरिया परवाज लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद रवानगी का प्लान तब्दील कर दिया गया। इमरान खान मोटरवे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। पेशी के मौके पर कारकुनों को तैयारियों के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है। जमान पार्क में इस वक्त सूरत हाल क्या होगी, इस बारे ही आपको अपडेट करेंगे। और बैंकिंग कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से समात है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसी सिलसिले में इमरान खान आज शहर इख्तदार जाएंगे और वहाँ पर समात के लिए पेश होंगे। इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद उनके साथ रवाना होगी। इससे कबल ये बताया जा रहा था कि तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद रवानगी होगी, लेकिन अब रोड से इस्लामाबाद की जानब आगे बढ़ेंगे और साथ कारकुनान का जम गफ़ीर लेकर जाएंगे। और वहाँ पर एक देखा यह भी जाएगा कि पेशी के मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी नज़र आएगी। अपडेट करते चले अहम खबर से कि आज इस्लामाबाद रवानगी है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की। बैंकिंग कोर्ट में ज़ेर समात मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेशी के लिए इमरान खान आज इस्लामाबाद जाएंगे और बजरिया परवाज लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद रवानगी का प्लान था जो अब तब्दील कर दिया गया है। अब मोटरवे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। पेशी के मौके पर कारकुनों को तैयारियों के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है। लाहौर से इस्लामाबाद तक भी कारकुनान साथ होंगे और वहाँ पर टर्मिनल पर भी कारकुनान अपने कायद का चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इस्तकबाल करेंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि कारकुनान भी इस मौके पर काफ़ी पुरजोश हैं। बैंकिंग कोर्ट में अहम पेशी है, समात होने जा रही है। इसी सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म को बुलाया गया है और पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म को आज बुलाया गया है। इस बारे अब तफसील लेंगे राना मोहम्मद अली से। अली, क्या मंजर देख रहे हैं, कारकुनान इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं? जी, कारकुनान जनसे वो पहुंचना शुरू हो गए हैं नमाज फजर के बाद। लाहौर की क्यादत जनसे उससे भी पहुंचना है। 7:30 बजे का मियां असलम इकबाल साहब ने यहाँ पे वक्त दिया है। वो सारे कारकुनान जहाँ पे मौजूद होंगे, जिसके बाद गाड़ियाँ निकलेंगी। गाड़ियाँ रात को तमाम रीफ्यूल करा ली गई थी, खासकर के सिक्योरिटी के जो 7 गाड़ियाँ जानी काफिले की सूरत में लाहौर से रवानगी होगी। मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि 8 से 8:15 के दरमियान यहाँ से निकलेंगे। 8:30 बजे तक कारकुनों को पहुँचने की हिदायत जारी की गई है। तमाम तर लाहौर की क्यादत समेत जितने भी कारकुन हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। तकरीबन 34 रोज़ हो चुके हैं यहाँ पे कैंपिंग हुए। 3 नवंबर को खान साहब को फायर लगा वज़ीराबाद में, जिसके बाद शौकत खाना मुंतकिल किया गया। उसके बाद लाहौर के जमान पाक में उन्होंने रहाइश पजीर हुए। यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट के बाद उन्हें यहाँ पर रखा गया। अब खान साहब ने उस वज़ीराबाद वाक़े के बाद अब खान साहब जो से वो पहली बार इस्लामाबाद रवाना होंगे, जहाँ वो आज बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे जज के रूबरू। दीगर जो तफसीलात हैं, मुख्तलिफ जो रहनुमा उन पर मुकदमात का इंदराज भी किया गया। इन 34 दिनों के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मा दिखाई दी इनके क्यादत के रहनुमाओं पर, जिसमें सबसे पहले जो उनसे हैं वो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, शेख रशीद, इसी तरह जो फरुख हबीब साहब उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद स्पेशल ब्रांच के एक एहलकार की मदियत में जो उनसा अहमद नियाजी, ज़ुबैर नियाजी पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये वो मुकदमात की जिनकी तफसील थी, जिसके बाद जो उनसे अब कहा जा रहा है कि कुछ एक कारकुन भी यहाँ से अरेस्ट हुआ, जिस पर 780 का मुकदमा दर्ज हुआ। जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ, उसके बाद पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में क्यादत के कुछ लोगों को भिजवाया गया और जो कारकुन 90 के करीब लाहौर से अरेस्ट हुए थे उन्हें पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल भी किया गया। अब आज लाहौर में क्योंकि सर मौसम जो सर खुशगवार है, बारिश का मौसम भी खुशगवार हो रहा है। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली, इस बारे तफसील दे रहे थे।